आप 1947 से शुरू कर रहे हैं सर, मैं 2015 से वापस शुरू करना चाहता हूं एक बार। और मेरे साथ जयंतो बैठे हैं यहां पे। जयंतो, कोयले की जांच हो गई, लोग अंदर जा रहे हैं, जाने की स्थिति में आ रहे हैं, चार्जशीट हो रहे हैं, दंगा तो नहीं हुआ। 2G की जांच हो गई, लोग अंदर गए, मंत्रियों के इस्तीफे हुए, दंगा तो नहीं हुआ। आदर्श की जांच हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई, कुर्सियां चली गई, कोर्ट ने बिल्डिंग तक गिराने को कह दिया, दंगा तो नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले को इस तरीके से जोड़ना और ये कह देना कि भाई अखबार में लिख के दंगा हो जाएगा इस देश में क्योंकि इस मामले की जांच हो रही है, अब ये जायज है? नहीं, लेकिन इसमें आप हर भ्रष्टाचार और ये जो इशू है इसमें थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि जब गांधी परिवार हमारे देश में, गांधी परिवार के इमोशनली अटैच्ड भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और गांधी परिवार के खिलाफ भी आइडियोलॉजिकली बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अगर आप जांच के चलने के समय अगर इसको इमोशनली यूज करे और जो गांधी परिवार के समर्थक है उसमें अगर आप इमोशन इंजेक्ट करे तो इसको पॉलिटिकल इशू बनाए, पार्लियामेंट घेराव करे, वो राजनीति का मुद्दा बनाए, तो चुनाव मतलब और नो चुनाव मतलब इलेक्शन और नो इलेक्शन बोफोर्स से बड़ा लग रहा है आपको ये मुद्दा? नहीं नहीं, मुझे ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मुद्दा बड़ा है। अभी अभी एज ए जर्नलिस्ट हम ये चाहेंगे कि सच सामने आए। अभी तक ये चार्जशीट करने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज है जो क्वेश्चन रेज कर रहा है पत्रकार के नाते, मुझे बहुत सारे सवाल का जवाब हम चाहते हैं और वो सरकमस्टेंशियल एविडेंस है। जैसे राकेश जी कह रहे हैं कि नाम जो है वो उसका क्लैरिफिकेशन, देखिए जब क्यू एक नाम आया था ना बफर्स में, वो क्यू कौन है, वो लेके कितना हंगामा हुआ था, लेकिन बाद में पता चला हु वाज क्यू। तो मुझे लगता है कि ये जो इशू है, ये इशू को मैं ये नहीं मानता हूं कि पांचजन्य, अगर हम ध्यान से हम भी पढ़े हैं उसमें कोई पर्टिकुलर राजनीतिक दल का नाम नहीं जिक्र किया सर। हजारों मतलब लोग मैं पॉलिटिकल पार्टीज है सर, मैं लाइन पढ़ के सुना देता हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। हजारों लोगों को महसूस हो रहा है कि आफत में घिरा एक राजनीतिक दल अपने आकाओं पर से ध्यान हटाने के लिए देश भर में दंगे करा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है तो अखबार तो सर बिटवीन द लाइन से लिखता है। नहीं, देखिए पांचजन्य का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप एकदम हम आरएसएस बीजेपी के स्पोक्समैन नहीं है, ठीक है, हम एकदम निरपेक्ष एक पत्रकार के नाते कह रहे हूं कि पांचजन्य मेरे सामने है। अगर पीपुल्स डेमोक्रेसी जो कहते हैं वो पार्टी लाइन होती है ना, तो पांचजन्य भी आरएसएस के जो एडिटोरियल लाइन है वो कांग्रेस के जो एक एप्रिहेंशन व्यक्त कर रहे हैं, इससे ये नतीजे में पहुंचना उचित नहीं होगा कि कल से दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। हम तो शांति चाहते हैं और किसी तरीके से कोई दंगा फसाद को प्रमोट करना, ये इसके बारे में मतलब ऐसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में इसीलिए कल से दंगा शुरू हो जाएगा, वो बहुत गलत अप्रोच होगा। लेकिन ये इसमें एक एप्रिहेंशन है पांचजन्य का, और जैसे राकेश जी पुराने इतिहास बता रहे हैं तो वो एक शंका व्यक्त किया गया है, वो शंका सही हो, वो आशंका व्यक्त करने का मतलब संबित पात्रा क्या ये नहीं है कि संगठन को ये दिखने लगा है सरकार कमजोर पड़ रही है, सरकार के पास या तो दस्तावेज नहीं है या सबूत नहीं है, सरकार उस तरीके से अटैक कर नहीं पा रही, बीजेपी उस तरीके से अटैक कर नहीं पा रही, तो कहीं से एक साइड रूट निकाला जाए जिससे कांग्रेस पर दबाव डाल दिया जाए और उसमें ये आ गया कि दंगे हो सकते हैं देश में? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पिछले 10 दिन से 15 दिन से हम रोज टीवी पर वार्तालाप कर रहे हैं सर, हमने तो कहीं ऐसी दंगे की बात नहीं सुनी। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, आपको याद होगा रोहित जी कि आप ही के साथ बैठ के लगभग आज से एक महीने पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम डिबेट कर रहे थे और वो विषय था कि संघ जो आरएसएस है वो आईएसआईएस जैसा है, क्योंकि हाउस में पार्लियामेंट में इस पे चर्चा हुई थी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कंपेयर कर दिया था, बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक उसी प्रकार सुशील कुमार सिंधे जी ने जयपुर में और बाद में हाउस में कह दिया था कि किस प्रकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेनिंग कैंप होता है वहां पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है,
वो कुछ भी कर दे तो आह तक नहीं निकलती है, और हम यहाँ थोड़ा बहुत सच्चाई रखने की कोशिश करें तो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगने लगते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, दंगे का मतलब नहीं होता है कि आग लगा के लोगों को सड़क पे मार देना। दंगे जैसा माहौल, मैं उदाहरण देता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम करने लगी तुरंत किस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया, कोई स्कैम नहीं निकल के आया, इनटॉलरेंस इनटॉलरेंस, फोन का हेलो हेलो, जल्दी जाके अवार्ड वापस करो, सब निकल निकल के अवार्ड वापस करने लगे। लोग सोचने लगे पता नहीं हिंदुस्तान जल रहा है। दादरी वो नन रेप केस एक दुर्भाग्य की घटना हुई थी, 80 साल के एक नन के साथ किसी ने रेप कर दिया था, इससे दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती थी। उसके ऊपर राजनीति की गई कि देखो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने करवाया है। जब चार बांग्लादेशी पकड़े गए तो सब जाके छुप गए यहां वहां। तो आज के जमाने में जब 24 घंटे टेलीविजन का जमाना है, दंगे का अर्थ ये नहीं होता है कि जैसे 1947 में या 1984 में दंगा होता था, सड़क पे लेके दंगा ही घूमते हैं। आज का दंगा होता है टीवी पे दंगा, दंगा होता है खराब माहौल बना देना, ऐसा माहौल बना देना जिससे कि वही चर्चा पे रहे, बाकी सब दब जाए। और ये सब करने में कांग्रेस 1000% सक्षम है। मैं बता दूं आपको, जब जब गांधी परिवार के ऊपर, नहीं नहीं सुन लीजिए, गांधी परिवार के ऊपर जब भी विपत्ति आती है, आप अच्छे आदमी है रोहित जी, हम लोग भी अच्छे आदमी है, हम लोग जानते नहीं है ये कांग्रेस कर क्या सकती है। ये कांग्रेस वो कर सकती है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, ये कर सकती है कांग्रेस। सप्रा जी बोलिए, आपने तीनों लोगों की बात सुनी, अब बोलिए आप। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आरएसएस जो हमेशा कहती है कि वो बीजेपी से लिंक नहीं है, राजकीय विषयों में नहीं आती है, लेकिन दरअसल बात यह है कि आरएसएस के पास ही बीजेपी का रिमोट कंट्रोल है। ये जो आया है पांचजन्य में, इससे सिद्ध होता है। अब सवाल ये है, ये इतनी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस दंगे कराएगी वगैरह वगैरह, ये इस तरह से डर क्यों रहे हैं? आज इनका शासन है, इनके पास में सीबीआई है, इंटेलिजेंस है, सभी कुछ तो है इनके पास में। दो साल से इन्होंने उसके ऊपर कोई बहुत बढ़िया कार्रवाई की नहीं। एसपी त्यागी को इन्होंने आज बुलाया वहाँ पर, और इससे पहले एक स्लो स्पीड पर इंक्वायरी चल रही थी, उससे पहले उनको ब्लैकलिस्ट करने के बाद में फिर उनको एरो इंडिया जो एग्जीबिशन था उसमें शामिल होने का मौका दे दिया, उनको रोट्रो जो टाटा की कंपनी है उसके साथ में पैक्ट करने का मौका दे दिया। तो ये जो बातें हैं ना, ये कुछ जम नहीं रही है, जनता भी देख रही है। अब ये देख रहे हैं कि कहीं से ये फिजल आउट होगा, इसलिए ये दंगे वाला एंगल ला रहे हैं। ये इतना बड़ा इतिहास सिन्हा साहब बता रहे थे बोफोर्स का, तो क्या बोफोर्स में कुछ सिद्ध हुआ था क्या, कि राजीव जी के ऊपर कुछ सिद्ध हुआ था क्या? फिर आप बात कर रहे हैं दंगों की, कांग्रेस के साथ जोड़ने की संबित पत्रा बात कर रहे हैं। भाई ये जो दंगों का इतिहास है ना, ये दरअसल आरएसएस के साथ उन्होंने क्लियर किया है थोड़ा सा, और जितने भी ब्लास्ट हुए, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट है, चाहे वो अजमेर ब्लास्ट है, चाहे वो मक्का मदीना का ब्लास्ट है, तो ये तमाम सारे ब्लास्ट में ये असीमानंद, कर्नल पुरोहित, ये साध्वी प्राची, इसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे फिर आप, उसमें तो बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं, तो जेल के अंदर है, इसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो जेल के अंदर है। मौजूदा समय में जिस चीज पे बात हो रही है सर, वो ये है, उस पे तो सर वैसे ही आपके दामन पे दाग आ रहे, चीटे आ रहे हैं, ये आरएसएस के लोग नहीं है क्या? साध्वी प्रज्ञा असीमानंद पे ना जाके, अभी मसला ये है, हमारा सवाल ये था सर कि भ्रष्टाचार के मामले में कब देश में दंगा हुआ? मुझे एनआई के लोग कह रहे हैं कि यू हैव टू गो स्लो सर, तो ये सारी बातें क्या है? ये आरएसएस बिना मतलब का एक बतासर बनाना चाहती है, मेरा सवाल ये है, होची राजनीति करना चाहती है कुमार की जगह, होची राजनीति क्या है? मेरा सवाल ये है कि शरद कुमार की जगह 2004 में क्या हुआ था? राकेश जी थोड़ा सा रुक जाए। सप्रा जी, ओछी राजनीति क्या है कि देश के किसी हिस्से में एक शहर में कोई वारदात हो जाए तो पूरे देश को असहिष्णु घोषित कर दिया जाए, रहने लायक ना रहा यह बताया जाए पूरी दुनिया को, वो अच्छी राजनीति है? या ये जो आज कर रहे हैं बैठ के कि टीवी पे बात हो रही है, वो अपने पॉइंट रख रहे हैं, आप अपने रख रहे हैं और ये अपने रख रहे हैं, और उन्होंने अपने अखबार में कुछ लिखा है जो आप भी जानते हैं कि कितने लोग पढ़ते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स है, और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए लिखा होगा शायद। नहीं, इन्होंने जो भी अपनी अखबार में लिखा है वो सरासर गलत लिखा है, देश को दिशा भूल, देश की दिशा भूल करने के लिए लिखा है, और देश के अंदर एक डर पैदा करने के लिए लिखा है, और टीवी चैनल को एक मसाला दिया है कि आप चर्चा कर सके इस पे देश की दिशा भूल होने के लिए। बोलिए संबित पात्रा। मुझे 10 सेकंड दीजिए रोहित जी, थोड़ा
ये दिशा भूल पे मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए सापरा साहब, आपने कहा कि ये सब जो हमने मतलब आरएसएस ने अपने पत्रिका पांचजन्य में लिखा है ये देश को गुमराह करने के लिखा है। मैं तो आपको बोलता हूँ, आपकी जो अखबार है, आपके जो मुखपत्र है, वो तो कम से कम दिशा भूल करने के लिए नहीं लिखते हैं। तो कांग्रेस दर्शन में क्या लिखा था? आप तो खुद मुंबई के हैं सर, आप ही के संजय की सोनिया गांधी जी फासिस्ट परिवार से करती है। सर सुनिया जैसे पकड़े गए तो मैं याद दिला रहा हूं कि आप ही के मुखपत्र में कांग्रेस दर्शन में लिखा था कि सोनिया गांधी जी मुसोलिनी से रिलेटेड है, कि वो फासिस्ट है, वो इतनी फासिस्ट है कि इसका अंदाज भी नहीं किया जा सकता है। ये थोड़ी मैं कह रहा था, तो मैं वहीं से तो पढ़ के मैं कांग्रेस दर्शन पढ़ता हूँ आप लोगों की हकीकत जानने के लिए, तो वहीं से तो मैं सोनिया जी के बारे में जाना हूँ। मैं और कहीं थोड़ी जाना हूँ, पांचजन्य में नहीं लिखा था ये सब। चर्चा अगस्त मैं उठा, अरे वो आपके पास कॉपी नहीं है तो मैं लाता हूँ, दूर ले जाएंगे। अरे आप अभी चले गए थे आसिमानंद के पास, मैं आपको पत्रिका तो पहले आया तो आप, मैं सोनिया जी के बारे में बता रहा हूँ, सोनिया जी के इटली के पूरे कनेक्शन के बारे में खुद कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने भूल गए क्या? आप अध्ययन किया है और पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस दर्शन में लिखा कि उनसे बड़ा फासिस्ट नेता कोई नहीं है क्योंकि वो मुसोलिनी की बेटी है। मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए। सवाल ये है कि इस समय देश के सामने एक बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या देश की सुरक्षा से समझौता किया गया? ललित मोदी को आप ला नहीं पा रहे हैं, कर क्या रहे बड़ी बड़ी बात। ठीक सर, ठीक है, धीरे धीरे अभी चले जाएंगे। ठीक सर, थोड़ा सा रुकिए। पात्रा जी, सवाल ये है, देश के समय समय एक बड़ा बड़ा मसला ये आ रहा है, क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया? अगर किया गया तो जब रिश्वत देने वाले जेल में बंद है, हमारे यहाँ रिश्वत लेने वाले खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। आज भी एसपी त्यागी जो उस वक्त के वायुसेना प्रमुख है उनसे बुलाकर पूछताछ की गई है। पकड़ने के लिए अफसरों से पूछताछ हो रही है, लेकिन अगर नेताओं पर शक है तो नेताओं से अब तक किसी जांच एजेंसी ने पूछताछ नहीं की है।